हेलो। तो आज हम सेकंड पार्ट करें, टॉट का सेकंड पार्ट है आज। और आज हम काइंड्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे। देखो, काइंड्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी क्या होती है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने सारी चीज़ें देखी। टॉट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करना होता है, मतलब क्या चीज़ें ज़रूरी है टॉट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। सॉरी, अब हम इन सेक्शन में ना देखेंगे कि ए ने कोई भी एक्ट नहीं करा, एक्ट करा है बी ने। बी ने कोई चीज रॉन्ग करी है, फिर भी लायबल कौन है? ए लायबल है। ये कैसे हुआ ये अभी हम देखते हैं। मतलब ये सब होते हैं मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। हमारे कोर्स में तीन है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी है। दोनों ये मोस्टली सेम है, अभी आप वीडियो देखोगे तो डिफरेंस पता लग जाएगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी है, वाइकेरियस लाइबिलिटी भी है, और वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट भी है। इसका बेसिकली मतलब यही है इन सारी लाइबिलिटी का, कि अ पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी नेग्लिजेंस फॉल्ट ऑन हिज पार्ट। मतलब ए ने कुछ भी खुद कुछ नहीं करा, उसके एजेंट ने करा है, उसके सर्वेंट ने करा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर ने करा है, उसने किसी पर्सन को हायर करा और उसने कुछ नेग्लिजेंट एक्ट करा, कोई टॉट कमिट करा, तो लाइबल होगा मास्टर, ये ए लाइबल होगा। तो इसके अंदर हमें सेवरल केस लॉस, ये सारी चीजें देखनी है जो हम देखते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी में नंबर वन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसका सबसे फेमस केस लॉ है, इस केस लॉ मतलब ये इसी केस लॉ से ये कॉन्सेप्ट हायर हुआ है, इसी केस लॉ से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये तो ये सब कुछ यही है, इसी केस लॉ से ये कॉन्सेप्ट आया है, तो सब कुछ तो यही है, ठीक है। तो ये है रायलैंड वर्सेस फेचर केस, रायलैंड वर्सेस फेचर केस। इस केस को हम समझते हैं। इस केस में क्या होता है कि फेचर होता है, उसकी मिल्स होती है, और रायलैंड होता है उसकी माइंस होती है, दोनों नेबर होते हैं, ठीक है। फ्लेचर को मिल्स चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी मिल्स को चलाने के लिए हैवी एनर्जी की जरूरत होती है। उसने कहा ठीक है भाई, एनर्जी की जरूरत है तो मैं रिजर्वायर बनाता हूँ। एनर्जी की नीड के लिए उसने रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराया अपने स्पेस के अंदर, और उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स को हायर करा। दीज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड हायर एंड इंजीनियर्स वर हायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन रिजर्वायर ऑन द लैंड ऑफ फ्लेचर, ठीक है। सो दैट ही कैन गेट एनर्जी फ्रॉम दैट रिजर्वायर सो एज टू मेक हिज मिल्स फंक्शनिंग, ठीक है। दे हैव नॉट, अब सुनो, इन्होंने रिजर्वायर बना दिया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, फिर उस रिजर्वायर के अंदर पानी डाला, पानी स्टोरेज करने का रिजर्वायर था, पानी डाला तो वो रिजर्वायर के अंदर क्या था, माइन शाफ्ट्स, माइन शाफ्ट सील्ड नहीं थी प्रॉपरली, और प्रॉपरली सील्ड नहीं होने के कारण उनका वाटर इस मिल्स से, इस रिजर्वायर से होते हुए रायलैंड की माइंस में चले गया। उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो रायलैंड वर्सेस फेचर का क्या है कि माइंस थी, मिल्स थी, रिजर्वायर बनाया, इन्होंने रिजर्वायर को प्रॉपरली सील्ड नहीं करा, उसके कारण जब इस पे पानी डाला तो पानी सारा रायलैंड की मिल्स में चले गया, इसकी मिल्स खराब हो गई, इसकी माइंस खराब हो गई। तो ये रूल अब बताओ, तो तुम खुद बताओ, रिस्पॉन्सिबल कौन? फ्लेचर होगा, काम इसने करा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यही होने चाहिए, पर नहीं, ये ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। फ्लेचर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल, तो यही तो इसकी हेडिंग है, अ पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी नेग्लिजेंस फॉल्ट ऑन हिज पार्ट। इसने कुछ भी नहीं करा, इसने तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करा, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? इसकी। तो इस रूल को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। इस रूल को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आगे आएगा, ये रूल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। दिस रूल हैज बीन लेड डाउन इन रायलैंड वर्सेस फेचर केस, ठीक है। अब देखो इश्यू क्या हुआ, फॉर द मिस्टेक्स ऑन द पार्ट डन बाय इंजीनियर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लेमैन लैंग्वेज वी कैन से दैट दे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट इन दिस केस द फ्लेचर विल बी रिस्पॉन्सिबल। द कोर्ट हैज गिवन द रीजनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन दिस केस एंड आंसर दैट रायलैंड दिस पर्सन विल बी कंपेंसेटेड कंप्लीटली बाय फ्लेचर, ठीक है। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब थ्री प्रिंसिपल्स दिए कोर्ट ने, थ्री प्रिंसिपल दिए इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए, थ्री प्रिंसिपल्स दिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए। नंबर वन प्रिंसिपल हो गया, कोई डेंजरस थिंग अपने लैंड पे ओनर लाएगा, कोई डेंजरस थिंग लैंड पे वो ओनर लाएगा। दूसरा, वो डेंजरस थिंग
वो डेंजरस थिंग वहां से एस्केप हो जाएगी, वो उसकी टेरिटरी से, उसके लैंड से एस्केप हो जाएगी, तो तीसरा लाइबिलिटी किसकी होगी? उस ओनर की होगी कंप्लीटली। देयर विल बी कंप्लीट लाइबिलिटी ऑफ दैट ओनर। नंबर वन इज डेंजरस थिंग, इसको हम नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के थ्री प्रिंसिपल में थ्री क्राइटेरिया होगा एक तरीके से। नंबर वन, कोई डेंजरस थिंग लाएगा। अब तुम बताओ, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड मतलब कोई चीज जो वहां पर पहले से थी नहीं, पर उसको अपने पर्पस के लिए लाया गया। इस केस के अंदर रिजर्वायर में कितना पानी होगा? तो वो इतना पानी पहले से इस लैंड, इसके लैंड पर प्रेजेंट था? नहीं था। उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एनर्जी के लिए वो लाया, तो वो इतना ज्यादा पानी लाया, तो वो एक तरीके से डेंजरस थिंग हो गई। तो वो नॉन डेंज वो डेंजरस थिंग में आ गई, वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड आ गई, वो एस्केप हो गया। लाइबिलिटी किसकी आई? फ्लेचर की। यही चीजें मैंने यहाँ लिख रखी है। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, थिंग विच नॉर्मली डज नॉट फाउंड ऑन द लैंड बट ब्रॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बट नाउ, अब सुनो, तो इसका तो डिसीजन हो गया कि फ्लेचर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। पर कोर्ट ने और सेवरल जो आगे केस लॉज आई, ये 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, ये 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। तो आगे सेवरल केस लॉज हो रहे आए, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करा, पर फिर भी क्राइटेरिया क्राइटेरिया तो यही है। तो इसके अंदर डिफेंसेस दिए गए, आगे डिफेंसेस दिए गए। टोटल डिफेंस बताऊं मैं कितने? टोटल डिफेंस है इसमें 5 डिफेंस दिए गए। मतलब मैं बताता हूं, 5 डिफेंस कैसे हो गए? 5 डिफेंस का मतलब हुआ, अगर इस जो फ्लेचर है, अभी तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? फ्लेचर हुआ, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल हुआ। उसको इसको पैसे देने पड़े लॉस के लिए। तो अगर फ्लेचर का इन पांच में से कोई क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है, अगर फ्लेचर का इन पांच में से कोई क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, तो वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा। ठीक है, वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा, फ्लेचर अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा, अगर इन पांच डिफेंस में से कोई डिफेंस उस पे एप्लीकेबल हुआ। अब ये पांच डिफेंस क्या है हम देखते हैं। ठीक है, पांच डिफेंस क्या है? नंबर वन डिफेंस है एस्केप ड्यू टू रायलैंड की खुद की गलती से एस्केप हुआ। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये ए है, ये बी है। तो ये रायलैंड मान लो, पुराने वाला केस लॉ को तुम देख लेना, रायलैंड मान लो, फ्लेचर मान लो, ये एग्जांपल है जस्ट। और वो वाला असली केस लॉ था जिसमें फ्लेचर को पैसे देने पड़े। ये हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, तो उसके केस लॉज इसमें नहीं है। अभी तक हमारे तीन ही केस लॉ हैं। एक है हमारा ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, एक एशवे वर्सेस वाइट, और रेलन वर्सेस फ्लेचर आया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर। इसमें ए भी है, बी भी है, ए का घर भी है, बी का घर भी है। ए के घर के अंदर पॉइजनस ट्रीज थे, ए के घर के अंदर पॉइजनस ट्रीज थे। पॉइजनस ट्रीज उसके अपने प्रेमिसेस के अंदर थे। ये जो कॉमन बाउंड्री होती है ना, घर नेबरहुड के बीच में, एक एक दू, एक दूसरे नेबर्स के बीच में दीवार होती है, उसके अंदर इसके अपने खुद के लैंड पे थे पॉइजनस ट्रीज। बी का हॉर्स ने अपने मुंह से ये जो दीवार है इसके इधर खा के पेड़ खा लिया, और बी का हॉर्स की डेथ हो गई। तो अब बी ने ए पे स्यू करा और बोला कि मेरे को कंपनसेशन चाहिए। कोर्ट ने पता है क्या बोला? कोर्ट ने पता है क्या बोला? मैंने तुम्हें अभी तीन चीजें बताई कि वो चीज एप्लीकेबल होगी तभी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अवेलेबल होगा। तो कोर्ट ने बोला कि डेंजरस थिंग नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ठीक है, हमने माना डेंजरस थिंग हुआ है। इसमें मैं लिखता हूँ, नंबर वन कंडीशन सेटिस्फाइड, कि भाई पॉइजनस ट्रीज तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो नहीं सकता, तुम पॉइजनस ट्रीज लेकर आए, तुम्हारी गलती। नंबर दो कोर्ट ने देखा एस्केप हुआ, एस्केप तो कहाँ हुआ, इसके पेड़ की क्या ब्रांचेस इधर फॉल कर रही थी? ऐसा तो कुछ नहीं है, घोड़े ने अपने आप खाया है इसके पेड़ को। तो सेकंड वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आएगा ही नहीं। तो इसमें लाइबल कौन होगा? लाइबल तो खुद बी होगा, तो बी को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ए वन द केस, ठीक है। तो इसका नाम है एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट, मतलब प्लेंटिव इसकी खुद की गलती के कारण एस्केप हुआ। प्लेंटिव और डिफेंडेंट, प्लेंटिव डिफेंडेंट वो देखो, प्लेंटिव वो होता है, रुको रुको, ये क्या कर दिया इसमें रायलैंड, एक मिनट। हाँ, तो ये प्लेंटिव्स, ये फ्लेचर होगा इस तरह, ठीक है, इसकी खुद की गलती के कारण ये हुआ। प्लेंटिव कौन होता है? जो केस करता है, और डिफेंडेंट कौन होता है? जिस पे केस होता है, ठीक है। प्लेंटिव प्लेंटिव हु सफर्ड लॉस
हु फाइल्स केस, और डिफेंडेंट कौन होता है? वन हु डिफेंड्स हिमसेल्फ। एक मिनट, तो डिफेंडेंट हो गया वन। तो इसमें क्या हुआ, प्लेंट किसमें, केस किसने फाइल करा? लॉस इसको हुआ, इसने केस फाइल करा, तो ये प्लेंटिफ हुआ और ये डिफेंडेंट हुआ, क्योंकि ये डिफेंड कर रहा है उस केस को, ठीक है। तो ये हमारा पहला वन पहला हो गया, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। अब हम सेकंड एक्सेप्शन पढ़ते हैं। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। देखो तुम्हें अभी तक टॉट में ये चीजें कराई है। टॉट क्या होता है, टॉट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टॉट अनकोडिफाइड होता है, टॉट और क्राइम में फर्क क्या होता है, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं टॉट के वो क्या होते हैं। अब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया। रायलैंड वर्सेस फेचर केस लॉ उसका फाउंडेशन केस है, और उसके बाद ये एक्सेप्शंस इवॉल्व हुए, ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ने एक्सेप्शन बोले कि भाई जिससे इनजस्टिस ना हो। अब एक्ट ऑफ गॉड, इसने अपने घर में आर्टिफिशियल लेक बनाई, आर्टिफिशियल लेक इसने बनाई, एक दिन काफी ज्यादा रेनफॉल हो गई, काफी ज्यादा रेनफॉल होने के कारण इसकी आर्टिफिशियल लेक में पानी ओवरफ्लो कर गया, पड़ोसी के घर में गया, उसके घर के अंदर पूरा घर उसका डैमेज कर दिया। वुडन उनका घर होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वो डैमेज हो गया। डैमेज होने के कारण इसने स्यू करा, तो कोर्ट ने फिर से वही कंडीशन देखी, फिर से वही कंडीशन देखी, क्या बोली? नंबर वन, डेंजरस थिंग थी, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, डेंजरस थिंग या फिर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। हाँ भाई, घर में कोई लेक थोड़ी बनाता, आर्टिफिशियल थी। सेकेंड, एस्केप हुआ, एस्केप भी हुआ, पर क्या खुद की गलती से हुआ या भगवान की गलती से हुआ? भगवान की गलती से हुआ, तो एस्केप नहीं हुआ एक तरीके से, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है। तो इसमें कौन जीता? इसमें भी ए ही जीत गया। ड्यू टू रेनफॉल ऑल वाटर गोज टू बीज हाउस, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बी, बी डज नॉट गेट एनीथिंग एज द एस्केप इज ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। सो वी हैव सीन द थ्री कंडीशन। नंबर वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, नंबर सेकेंड कंडीशन इज एस्केप इज देयर, बट एस्केप इज नॉट ड्यू टू ओन फॉल्ट, इट इज ड्यू टू गॉड्स फॉल्ट। सो दिस एक्ट ऑफ गॉड इज प्रिविलेंट इन दिस एज अ डिफेंस। तो हमने पांच है टोटल इसके डिफेंस। नंबर वन हो गया हमारा प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, और नंबर सेकेंड हो गया हमारा एक्ट ऑफ गॉड। अब हम थर्ड की बात करते हैं, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर की केस के अंदर ही जो फ्लेचर की मिल्स थी जिसमें अपन रिजर्वायर बना रहे थे, कोई थर्ड पार्टी चुपचाप आके उस रिजर्वायर में ऐसा कुछ कर जाए जिससे कि है ना पानी उसमें से लीक हो जाए, तो गलती इसकी होगी या थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर की होगी? स्ट्रेंजर की गलती होगी। तो इसमें भी यही है, इफ एनी अदर थर्ड पार्टी केम टू फ्लेचर्स लैंड एंड डैमेजेस द फ्लेचर ड्यू टू विच द वॉटर एस्केप्स, देन फ्लेचर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो हमने तीन डिफेंस कर लिए, अब चौथा और पांचवा डिफेंस भी कर लेते हैं, फिर हमारा ये वाली चीज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ वाला क्या है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या बोलता है कि इफ इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ब्रिज और बिल्डिंग हाईवेज, एंड ड्यू इन दैट प्रोसेस इफ एनी डैमेज इज हैपन टू समबडी इज लैंड प्रॉपर्टी और एनी थिंग, देन गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस मिल जाएगा कि गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट इज डूइंग वर्क फॉर द नेशनल वेलफेयर, नेशनल वेलफेयर के लिए काम करते हुए अगर ये छोटी मोटी चीज हो जाए तो गवर्नमेंट लाइबल नहीं होगी उस चीज के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ डिफेंस, फिफ्थ डिफेंस क्या होता है? कंसेंट ऑफ बोथ। VNFI आपके कोर्स में नहीं है, वरना VNFI खुद बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंटीरियर, नॉन फिट इंजूरिया, ये आपके कोर्स में नहीं है CACET के अंदर, पर फिर भी हम इसको डिस्कस करते। देखो आप क्रिकेट, आप स्टेडियम के अंदर हो, आप ये स्टेडियम है, आपको पता है ना स्टेडियम के अंदर बॉल लगने के चांसेस होते हैं। अगर क्रिकेटर ने छक्का मारा और किसी के बॉल सर पे लग जाए तो रिस्पॉन्सिबल किसकी है? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए गया स्टेडियम के अंदर, वहां पर बैठा, बॉल आके सर पे लगी, इंजर्ड हो गया, स्टेडियम को सीव कर दिया कि मेरे को कंपनसेशन दो। स्टेडियम ने कहा भाई जो टिकट होती है ना उसके पीछे लिखा होता है कि आप खुद अपने कंसेंट से, तो आप खुद अपने कंसेंट से रिस्क को देखते हुए आप मैच देखने आ रहे हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया कंसेप्ट। अब देखो कंसेंट ऑफ बोथ क्या होता है, मान लो रेलेंड और फेचर जो दोनों उसके पड़ोस दोनों लोग हैं, पड़ोसी जो दोनों नेबरहुड के लोग हैं, इफ दे बोथ हैव म्यूचुअली कंसेंटेड फॉर द बिल्डिंग ऑफ दैट रिजर्वायर एंड यूजिंग इट बोथ एंड यूजिंग इट फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ बोथ, देन हु विल बी लाइबल, देन नो विल बी लाइबल। मतलब अगर वो दोनों उसको अपने, अगर वो दोनों कंसेंट कर लेते कि ठीक है तू रिजर्वर बना,
तू इसमें रिजर्वायर बना, तू एनर्जी के लिए यूज करना, और मेरे को तेरा लैंड से थोड़ा पानी दे देना जिससे कि मैं भी अपना एक्टिविटीज कर पाऊँ। तो उन दोनों ने कॉमन बेनिफिट के लिए अगर उस चीज को यूज करते, और फिर अगर एस्केप हो गए, डैमेज हो जाता, तो फिर लाइबिलिटी किसी की भी नहीं होती, तो फिर लाइबिलिटी किसी की भी नहीं होती। हमने हमने अभी इतनी सी 15 मिनट के अंदर हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब मैंने कुछ नहीं करा, पर क्योंकि किसी और ने कुछ करा तो उसके एक्ट के कारण मेरे को दोषी होना पड़ा। रायलेन वर्सेस फेचर केस, रायलेन वर्सेस फेचर केस में इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स स्टेट करे, डेंजरस थिंग होनी चाहिए, एस्केप होना चाहिए, और उसके कारण कोई लाइबिलिटी किसकी होगी उसकी कंप्लीटली होगी। फिर इसके एक्सेप्शंस दिए, एक्सेप्शंस केरा, नंबर 1 ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट एक्ट ऑफ गॉड, नंबर 3 एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी VNFI दैट इज कंसेंट ऑफ बोथ, और म्यूचुअल कंसेंट भी इसको बोलते हैं, इसको म्यूचुअल कंसेंट भी बोलते हैं। इसके नोट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 2 ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, और नहीं तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गया। अब सुनो मेरी बात, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी 18th सेंचुरी कॉन्सेप्ट है, अब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देख रहे हैं। दोनों सेम ही लग रहे हैं, स्ट्रिक्ट भी सेम ही लग रहा है, एब्सोल्यूट भी सेम लग रहा है, सेम ही है, फर्क कोई खास नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज एब्सोल्यूट इंप्लाइज? एब्सोल्यूट इज 100% लाइबिलिटी, 100% लाइबिलिटी, दैट इज विदाउट एनी एक्सेप्शंस। मतलब 100% लाइबिलिटी है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। उसमें 5 एक्सेप्शन थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कितने थे? 5 डिफेंसेस थे, इसमें डिफेंस नहीं होते। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में डिफेंस नहीं होते। अब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, अब देखो मेरी बात। एक और, सबसे पहले ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस आया, एशे वर्सेस वाइट आया, रेलिन वर्सेस फेचर आया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बात सुनो, एक यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, उसने भोपाल में प्लांट सेटअप कर रखा था, फैक्ट्री सेटअप कर रखी थी पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। एक रात को 2 दिसंबर 1984 को याद करने की जरूरत नहीं है, डेट बस ध्यान रख लेना। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक कर गई उस प्लांट से, और लार्ज क्वांटिटी में लीक कर गई, पूरी रात के अंदर पूरा जो जिस एरिया में वो थी वो पूरी रात में गैस चैम्बर बन गया। उससे 3000 से 5000 लोगों की डेथ हुई, और बहुत सारे लोग सफर हुए, बहुत सारे, बहुत पॉइजनस गैस थी है। और इन सफर होने के कारण इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इस प्लांट के ओनर ने जितने इसके अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे वो कोई भी काम नहीं करता था, सारे नॉन फंक्शनल थे। और इसी को हम भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से हमारी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आई। अब ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, इसने अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट ढंग से क्यों नहीं कर रखे थे और इसकी वजह से गैस लीक हुई। तो इस कॉन्सेप्ट ने, ये इंडिया का केस लॉ है, एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस केस से हमारा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, जो बोलता है कि कोई भी एंटरप्राइज या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हजार्डियस एक्टिविटी में वर्क करती है, कोई हजार्डियस एक्टिविटी करती है, और एनी डैमेज, उसके एस्केप होने के कारण एनी डैमेज होता है, तो वो 100% लाइबल है। कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा कि हमारा गलती से हो गया, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो गया, प्लेंटिव्स ओन कंसेंट की वजह से हो गया। जितने हमने एक्सेप्शन ऊपर पढ़े थे इसके अंदर नहीं चलेंगे। इसके अंदर अगर कोई एंटरप्राइजेज या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हजार्डियस एक्टिविटी में काम करती है और उसका डैमेज हो जाता है, या तो अपने प्रेमिसेस के अंदर डैमेज हो, तभी भी उसको वर्कर सीव कर सकते हैं क्योंकि वर्कर को लॉस हुआ है, और अगर अपने डैमेज अपने प्रेमिसेस अपनी टेरिटरी के बाहर गई तभी भी डैमेज तो डैमेज ही है, कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा। डैमेज कैसे कैलकुलेट होता है इस केस में? डैमेज उसकी साइज ऑफ इंटरप्रेनर से कैलकुलेट होता है, मतलब जितनी बड़ी उसकी प्रॉफिट होएगा, जितनी बड़ी वो कंपनी होगी उतने ज़्यादा वो डैमेजेस देगी। तो हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कर ली। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंडिविजुअल के अगेंस्ट थी कि मतलब किसी की इंडिविजुअल की गलती के कारण अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल को फर्क पड़े तो क्या सीन होता है, और उसमें काफ़ी एक्सेप्शंस थे, और वो रायलेन वर्सेस फेचर केस से आई। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भोपाल गैस ट्रेजेडी से इवॉल्व हुआ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और ये वाली हमारी
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल होती है और ये हमारा इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है ये कॉन्सेप्ट हमारा, एक मिनट, इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है। तो हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी कर लिया, अब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी करेंगे। मैं 10 सेकेंड का वाटर ब्रेक लेकर आता हूँ, फिर अपन इसको चालू करते हैं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। हम अब वाइकेरियस लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे। देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी, सबसे पहले हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डिस्कस करा, फिर हमने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डिस्कस करा, अब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे। देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर भी वही होता है, अ पर्सन हु हिमसेल्फ डज नॉट डन एनी एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अ थर्ड पर्सन हु कैन बी हिज सर्वेंट हु कैन बी हिज कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु कैन बी हिज पार्टनर। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर जनरली अ पर्सन इज रिस्पॉन्स, अब क्या होता है कि हमेशा ये पूरे उसके अंदर है, जो टॉर्शियस लाइबिलिटी वाला अपना अपन ने इससे पहले पढ़ा ना, टॉर्शियस लाइबिलिटी इस पूरे सेक्शन में क्या है कि जनरली अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रॉन्ग्स, खुद के ही गलती के कारण ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, पर इन सेक्शनों में पर्सन किसी और की गलती के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ये बोलता है, इसमें पता है तीन चार है, प्रिंसिपल एजेंट है, प्रिंसिपल एजेंट है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, मास्टर सर्वेंट है, ऐसे करके तीन चार है। इन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी खुद बताओ, इनमें कुछ भी रट्टा मारने का नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने का है टॉट चैप्टर, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर यही पूछ सकते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रिंसिपल एजेंट, मास्टर सर्वेंट, मास्टर कॉन्ट्रैक्टर है, ये सारी चीजें कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल मास्टर लाइबल होगा, इसमें कुछ करने का ही नहीं है, ठीक है। अब ये हमने एक्सेप्शंस कर लिए थे इससे पहले, अब हम बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर इन सब के बारे में। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब वही होता है जो बाकी सबका होता है, कि किसी और ने कुछ काम करा है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और सिटीजन है, ठीक है। एक सेकेंड, तो हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करेंगे। वाइकेरियस लाइबिलिटी में सबसे पहला है प्रिंसिपल और एजेंट। देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो मतलब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि किसी और ने कुछ, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला, इसमें दो मैक्सिम्स ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, सीधा एमसीक्यू आएगा, सीधा एमसीक्यू आता है किसी भी एग्जाम में, सीएसईटी में भी आता है, किसी और एग्जाम में भी आता है, क्यू फेसिट पर एलम फेसिट, सीधा एमसीक्यू में अपन को ये ध्यान रखना है। मैक्सिम किस पे बेस्ड है, ये मैक्सिम है एक्ट ऑफ एन एजेंट इज एन एक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, एक्ट ऑफ एन एजेंट इज एक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, मतलब जो एजेंट होता है, जो मतलब लायबल, तो देखो हर जगह प्रिंसिपल ही होगा, मास्टर ही होगा, पर ये इस मैक्सिम में क्या बोलता है कि जो एजेंट का एक्ट होता है, जो सर्वेंट का एक्ट होता है, वो हम मानते हैं कि वो खुद प्रिंसिपल का एक्ट है, प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज करा होगा तभी वो बंदा एक्ट कर रहा है। मैंने अपने सर्वेंट को बोला जा दुकान से कुछ लेकर आ, मतलब जो भी चीजें, तो मैंने उसको ऑथराइज करा है तभी वो काम कर रहा है। तो एक्ट ऑफ एन एजेंट इज कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, ये इस मैक्सिम से पता लगता है, क्यू फेसिट पर एलम फेसिट। और रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मैक्सिम है, सुपीरियर मतलब सुप्रीम और रिस्पोंडेंट, तो इस मैक्सिम का मतलब क्या हुआ, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। तो ये दो मैक्सिम है, सीधा क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, क्यू फेसिट पर एलम, क्यू फेसिट पर एलम फेसिट, एक्ट ऑफ एन एजेंट इज इक्वल टू द एक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल हिमसेल्फ, ठीक है। अगर एजेंट एक्ट कर रहा है तो हम तो यही मानेंगे भाई प्रिंसिपल खुद एक्ट कर रहा है, ठीक है। एजेंट बेचारा कुछ नहीं करता अपने आप, एजेंट प्रिंसिपल के कहने पर ही कर रहा है, और लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या चीज है। देखो अभी तक हमने चार केस लॉस करे, नंबर वन हमारा उसमें आया था इंजूरिया साइन डैमनम में, फिर डैमनम साइन इंजूरियो में ग्लॉमस्टर ग्रामल स्कूल केस, एशबे वर्सेस वाइट, और इससे पहले राइलैंड वर्सेस फेचर, और उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हमारा केस लॉ आ रहा है प्रिंसिपल एजेंट के अंदर, लियॉर्ड वर्सेस ग्रेस, लियॉर्ड वर्सेस ग्रेस, अरे लियॉर्ड तो आजकल ऐसे भी आते हैं, हैवेल्स की कंपनी है लियॉर्ड, ठीक
ठीक है, तो लियॉर्ड वर्सेस स्मिथ। व्हेन एजेंट कमिट्स अ टॉर्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द सेम। इफ प्रिंसिपल इज अप्रिशिएटेड फॉर द गुड वर्क्स ऑफ एन एजेंट देन ही शुड बी पनिश्ड फॉर द बैड वर्क्स ऑफ द एजेंट। अगर हम प्रिंसिपल की तारीफ करते हैं जब उसका एजेंट अच्छा काम करता है तो हमें प्रिंसिपल की बुराई भी करनी चाहिए, हमें प्रिंसिपल को पनिश भी करना चाहिए, प्रिंसिपल को लायबल भी करना चाहिए जब उसका एजेंट कुछ गलत काम करता है। इसमें ये वाला केस है, ये सिचुएशन बहुत इस प्रिंसिपल एजेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफ़ी है। जो लियॉर्ड होता है, जो लियॉर्ड होता है वो दो कॉटेज ऑन करती हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होती इन कॉटेजेस की इनकम से। सो वो ग्रेस, ये जो ये ना ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, वो ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी के पास जाती है कंसल्टेशन के लिए। तो वो कंपनी उसको एडवाइस करती है इनको सेल कर दो, तो वो एग्री करती है लियॉर्ड। और लियॉर्ड के एग्री करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वर साइन टू सेल, उन कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, लियॉर्ड ने उसको साइन कर दिए। बाद में पता लगा वो जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो कंपनी ने जो कंपनी का उस टाइम जो वो जो पर्सन इनसे कंसल्टेशन कर रहा था ना, वो मैनेजिंग क्लर्क था, उसने क्या करा गिफ्ट डीड पे उनके साइन करा लिए। लेटर इट वाज फाउंड दैट वो सेल के डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट ये बोलते थे कि आप है ना ये गिफ्ट डीड, आप इस डॉक्यूमेंट को मेरे को गिफ्ट दे रहे हो, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को मेरे को गिफ्ट दे रहे हो। लेटर इट वॉज फाउंड डॉक्यूमेंट्स वर एक्चुअली रिलेटेड टू गिफ्ट डीड साइंड इन द नेम ऑफ मैनेजिंग क्लर्क ऑफ द कंपनी। ये कोर्ट गई, कोर्ट ने पता है क्या बोला, मैनेजिंग क्लर्क लाइबल नहीं है, उसका जो प्रिंसिपल है ना वो लाइबल है, उसका जो बॉस है वो लाइबल है। गोज टू कोर्ट हेल्ड द प्रिंसिपल लाइबल। प्रिंसिपल बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं कैसे लाइबल हो गया। तो कोर्ट बोलती है देख भाई प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट इज जो एजेंट काम करता है वो हम मानते हैं प्रिंसिपल काम करता है, पर इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन मतलब अपनी ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था कंसल्टेशन की, उसके बीच में उसने गड़बड़ी करी तो लाइबल कौन हुआ, प्रिंसिपल ही लाइबल हुआ। ठीक है, तो ये केस लॉ ध्यान रखना, लियॉर्ड लियॉर्ड ऐसे याद कर लो। पहले के चार तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पांचवें वाला एसी की कंपनी है हैवेल्स की। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब दूसरा हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। भाई देखो जब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आएगा ना, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स का मतलब ही होता है कि ऑल आर इक्वल, नो वन इज सुपीरियर, ऑल आर इक्वल। जब पार्टनरशिप आएगा तब हम इसको पढ़ाएंगे। मतलब अगर इसमें से टू पार्टनर्स हैं तो वो दोनों पार्टनर बराबर होएंगे, और अगर एक पार्टनर कोई एक्ट करेगा तो उसके लिए दूसरा पार्टनर भी जिम्मेदार होगा। अगर एक पार्टनर कोई फ्रॉड करेगा तो उसके लिए वो दूसरा पार्टनर भी जिम्मेदार होगा। ऐसा ये रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, ऐसा पार्टनरशिप बोलती है। ठीक है, अब रिलेशनशिप पार्टनर्स में वही कॉन्सेप्ट है, इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द, ये भी प्रिंसिपल एजेंट की तरीके से होता है। ये बोलता है कि फॉर एनी टॉर्ट कमिटेड बाय वन पार्टनर ऑल द पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल इन अ फर्म। पार्टनरशिप का होती है एक फर्म के लिए होती है, ऑल द पार्टनर्स विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अभी ये देखो हैमलन वर्सेस हाउस्टन, एच एच दो पार्टनर है, दोनों के सेम नाम है एच एच, बस क्लू याद कर लो दिमाग में। वन ऑफ द टू पार्टनर्स ब्राइब द क्लर्क, दो पार्टनर है, एक पार्टनर ने किसी और कंपनी के जो क्लर्क होता है चपड़ासी, क्लर्क होता है उसको ब्राइब करा। ही ब्राइब्ड वन ऑफ द क्लर्क्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट सो एज टू लीक द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपनी। सो बोथ द पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर करप्ट एक्ट, बोथ पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर करप्ट एक्ट। ठीक है, दोनों पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो गए, यही पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड वाली चीज कर ली। अब थर्ड, अब सुनना मेरी बात, ये चीज समझना। अब हम फोर्थ, इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम करने वाले मास्टर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब प्रिंसिपल एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या फर्क होता है। देखो भाई, सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में बहुत फर्क होता है। सर्वेंट होता है तुम्हारा कार ड्राइवर, जिसको तुम पूरे साल की सैलरी दे रहे हो, तुम्हारे घर की वर्कर, घर की मेड, घर की जो हमारे खाना बनाने आती है, तो वो सारी चीजें हमारे होती है सर्वेंट, जिनको हम सैलरी देते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, फुल कंट्रोल और सुपरविजन के अंदर काम करते हैं, वो तो होते हैं हमारे सर्वेंट। ठीक है, जैसे कार ड्राइवर हुआ, अगर कार ड्राइवर ने मेरी कार भिड़ाई तो लाइबल कौन होगा, मैं लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा सर्वेंट था। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप लगती है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप यही है।
मैंने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप डिस्कस करना भूल गया, वही सारी चीजें वही है। मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय सर्वेंट वाइल एक्टिंग इन अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वर्क करना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर एमसीक्यू में आएगा तो वो यही करेगा, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था नहीं था, लाइबल कौन होगा बताओ। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सर्वेंट में फर्क क्या होता है? सर्वेंट मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि हम उसको कोई काम करने के लिए हायर करते हैं। हम उसको कोई काम करने के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम हायर करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर मैंने उसको अपने घर के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए उसको हायर करा, तो मैं उसको ये बोलूंगा क्या, आर्टिफिशियल लेक इधर बना, इतने एरिया में बना, दो वर्कर लेकर आ, तीन वर्कर लेकर आ, ऐसे काम कर, इधर टाइल लगा, इधर पानी भर। मैं उसको ऑर्डर चला सकता हूँ, वो मेरा ऑर्डर सुनेगा नहीं। ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। उसको जो काम असाइन हुआ है ना, वो अपना काम कर देगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा काम कैसे करना है। तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर, ही इज हिज ओन मास्टर, हायर टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट। ठीक है, गिवन रिजल्ट हायर करने के लिए उसको हम, गिवन रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको हायर करते हैं। तो सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में फर्क होता है। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है ना, लायबल भी होता है कुछ केसों में, और कुछ केसों में नॉट लायबल भी होता है। मतलब देखो, अभी हम करते हैं आगे डिस्कस, हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। जो टैक्सी ड्राइवर मैंने हायर करा कहीं जाने के लिए और उसने टैक्सी ठोक दी, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करा था। वो खुद टैक्सी ड्राइवर खुद नहीं, नहीं हाँ टैक्सी ड्राइवर खुद रिस्पॉन्सिबल है। देखो, मास्टर सर्वेंट के अंदर तो मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पर मोस्टली कहा जाता है मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में मोस्टली मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अभी हम नेक्स्ट पेज पर इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो ये रहा, सुनो, एम्प्लॉयर मास्टर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोल दो, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोल दो, ये तो टर्मिनोलॉजी है, ये खुद कर लो, इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वर्ड्स को ग्रैस्प करने वाली बात है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एम्प्लॉयर नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जो ये एम्प्लॉयर है, जो मास्टर है, ये मैंने टैक्सी हायर करी और उसने टैक्सी ठोक दी, तो मैं क्यों लायबल होऊंगा? वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो लायबल तो हमेशा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा और मास्टर बच जाएगा। पर कुछ केसों में मास्टर लायबल होता है, कुछ केसों में मास्टर लायबल होता है। कहाँ पर लायबल होता है? जहाँ पर मैंने टैक्सी वाले को बोला कि तू जोर से चला, जो होगा देख लेंगे, गाड़ी ठुक जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को लॉस दूंगा। केसेस इन विच एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आर व्हेन एम्प्लॉयर ऑथोराइज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टू कमिट अ टॉर्ट। मैंने उसको इंस्टिगेट करा कि तू तेज चला, जो भी बीच में आएगी उसको उड़ा दे, ये कर दे वो कर दे, तो मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ, मैं उसको ऑथोराइज कर रहा हूँ कि हाँ तू ऐसा कर। तो इस केसेस में है ना, कौन लायबल होगा? मैं लायबल हूँगा। उसके बाद सेकंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, कि किसी इंडिविजुअल ने किसी और इंडिविजुअल के अंदर नॉन नेचुरल यूज करा, उसके कारण कोई चीज़ एस्केप हुई, तो लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी हमारी इसकी होगी, खुद की, मास्टर की। लायबल कौन होगा? मास्टर होगा। तो इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था रायलैंड वर्सेस फेचर में, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करें और इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लग गया था, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड एस्केप वाला, इसलिए लायबल कौन हुआ था? खुद मास्टर लायबल हुआ था। और थर्ड, नेग्लिजेंस। देखो भाई, जिसको हम हायर कर रहे हैं ना, उसका पता होना चाहिए हम किसको हायर कर रहे हैं। ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर देंगे कि कोई हमारा प्रेस करने वाला है, कपड़े प्रेस करने वाला है, उसको हम बोल रहे हैं आजा तू गाड़ी चला, तो ऐसे ये थोड़ी होगा कि हम उसको हायर कर रहे हैं। हमें उसका एक्सपीरियंस चेक करना है, हमें चेक करना है कि वो क्वालिफिकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, तब हम सही कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को हायर करने में हमारी नेगलिजेंस है कि वो उसको गाड़ी चलाना आता ही नहीं और हम उसको बोल रहे हैं गाड़ी चला और उसने गाड़ी ठोक दी, तो लायबल हम हो गए, समझ गए? तो ये चीज़ हो गई हमारी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले टॉर्ट करा। टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने टॉर्ट वर्सेस क्राइम करा, फिर हमने टॉर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टॉर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने ये करा, फिर हमने क्या करा, हमने एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट करें,
फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट करें, इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने टॉर्शियस लाइबिलिटी, टॉर्शियस लाइबिलिटी करी। टॉर्शियस लाइबिलिटी में कितनी आती है, तीन आती है, नंबर वन तो हो गई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और नंबर टू हो गई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बाद क्या हो गई, नंबर टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गई। ये रायलैंड वर्सेस फेचर केस से निकलती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हमारे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से निकलती है, ये इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होती है, और ये चीज हमारी सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस के अंदर हैजार्डियस वर्क जो कर रहे हैं उन पर एप्लीकेबल होती है। फिर हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी करा, वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रिंस द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। दो मैक्सिम इसमें करे, क्यू फेसेट क्यू पर एलम, और लेट द रिस्पॉन्डेंट बी सुपीरियर, ठीक है। और इसके अंदर ही हमने क्या करा, सबसे पहले ये सीक्वेंस देख लेना, मास्टर सर्वेंट तो थर्ड नंबर पे था अभी मेरे को याद आया, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट करा, फिर हमने पार्टनर्स करा, पार्टनर्स सारे इक्वल होते हैं, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही होता है, हम आगे एग्जीक्यूटिव के अंदर पार्टनरशिप करेंगे ना उसमें हमें पता लगेगा पार्टनर सारे इक्वल होते हैं। और फिर चौथा हमने करा क्या, फिर हमने सर्वेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का डिफरेंस देखा कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, और फिर चौथा हमने करा मास्टर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, मास्टर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इसमें कब मास्टर लायबल होगा, लायबल तीन कंडीशन में होगा, और कब लायबल कब लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक ये चीज करी, टॉर्ट समझाई, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब इसके अंदर एक और होता है टॉर्शियस लाइबिलिटी में, वो होती है टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, टॉर्शियस नहीं वाइकेरियस, वाइकेरियस वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। अब हम ये करेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये हमारी फिर हमारा ये टॉर्शियस लाइबिलिटी वाला सेक्शन हो जाएगा, फिर हम आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, स्टेट कब लाइबल होगी, जो उसके एम्प्लॉय, उसके सर्वेंट, जो भी उसके लोग है, अगर वो कोई चीज़ करेंगे तो उसके लिए स्टेट लाइबल हो सकती है नहीं हो सकती। हमारे लिए मास्टर सर्वेंट चलता है तो स्टेट लाइबल होगी या नहीं होगी। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट देखो दो है, इंग्लैंड में क्या होता था, हम पहले ब्रिटिशर्स के राज में थे तुम्हें पता होगा, तो इंग्लैंड में क्या होता था, जो क्राउन होता था वो ये मानता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग तो भाई सबसे ऊपर है, उससे कोई गलती ही नहीं हो सकती, किंग कैन डू नो रॉन्ग, द क्राउन कुड नॉट बी सूड इन टॉर्ट इधर फॉर द रॉन्ग ऑथराइज्ड बाय इट कमिटेड बाय इट सर्वेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो राजा होता है वो तो स्यू हो ही नहीं सकता था कोई भी, चाहे करा हो या नहीं करा हो, इसमें साफ साफ लिखा है उसके एम्प्लॉय ने कोई एक्ट करा हो तभी भी वो लायबल नहीं होगा, और उसके कहने पर करा हो, राजा के कहने पर करा हो तभी भी वो लायबल नहीं होगा राजा। पर बाद में ये भी आपकी मॉड्यूल में गिवन है 1947, ध्यान रखना क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 से क्राउन को भी लायबल कर दिया गया जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल आज तक लायबल होते हैं वैसे ही क्राउन एक्ट से इंडिविजुअल को भी लायबल कर दिया गया, इंडिविजुअल को भी लायबल कर दिया गया, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब पोजिशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। पोजिशन ऑफ इंडिया क्या होता है, नो एक्ट लॉ बेस्ड, इंडिया के अंदर है ना कोई भी एक्ट वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट पे बेस्ड आया ही नहीं, जैसे आईपीसी हो रहा है कोई भी एक्ट है ना आया नहीं इस पे, ठीक है। ये इंडिया के अंदर सिर्फ जुडिशियल डिसीजन के कारण इवॉल्व हुआ है, जुडिशियल जजेस के पास कोई केसेस आए तो जजेस ने अपने डिसीजन देते हुए इस वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर करा, जजेस हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इन इंडिया थ्रू केसेस। तो जजेस ने क्या करा, जजेस ने ये बोला इंडिया में देखो स्टेट के दो फंक्शन होते हैं, एक सोवरेन फंक्शन होते हैं एक नॉन सोवरेन फंक्शन होते हैं, तो जो सोवरेन फंक्शन होते हैं उनके लिए स्टेट लाइबल नहीं हो सकती, उनके लिए स्टेट लाइबल नहीं हो सकती चाहे उसके एम्प्लॉयज गलत करे या नहीं करे, पर जो नॉन सोवरेन फंक्शन है उसके लिए स्टेट लाइबल होगी, उसके लिए स्टेट लाइबल होगी। देखो
वाइकेरियस का मतलब क्या हुआ, करे कौन और भुगते कौन, करे कौन और भुगते कौन, करा उसने सजा हो रही है मेरी, सजा हो रही है मेरे को। तो पोजीशन और इंग्लैंड के अंदर क्या बोलता है कि क्राउन कुड नॉट डू नो रॉन्ग, किंग कैन डू नो रॉन्ग। पर 1947 में एक लॉ आया जिससे किंग को एज प्राइवेट इंडिविजुअल कर दिया। पोजीशन और इंडिया कभी इस पे कोई लॉ आया नहीं, जुडिशियल डिसीजन के कारण ये चीजें आई है। तो हमने सोवरेंट और नॉन सोवरेंट फंक्शन में बांट दिया। सोवरेंट फंक्शन के अंदर हमने बोला कि स्टेट, सोवरेंट फंक्शन के अंदर स्टेट लाइबल नहीं होगी, और नॉन सोवरेंट फंक्शन में स्टेट कैन बी मेड लाइबल। ठीक है, देखो इसका, इन दोनों का डिस्टिंक्शन है ना, आज तक नहीं आया कि ये पांच तो सोवरेन फंक्शन है, ये पांच नॉन सोवरेन फंक्शन है। बस कोर्ट जब भी ऐसी कोई चीजें आती है तो उसके अंदर है ना अपना दिमाग लगा के डिसीजन देती है। ये सिर्फ कहने की बात है कि सोवरेनिटी में नहीं होगा, नॉन सोवरेन में होगा, पर इसका बेसिक डिस्टिंक्शन अपन एक दो एग्जांपल के तौर पे कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी एरिया में कर्फ्यू इंपोज हो गया, उस कर्फ्यू इंपोज के अंदर पुलिस ने, पुलिस तो भाई नाकाबंदी करेगी कर्फ्यू के अंदर, तो कुछ लोग 5-10 लोग आए और उसने पुलिस पर मिसबिहेविंग करा, तो पुलिस ने कहा हम गोली चला देंगे, उन्होंने है ना पत्थर फेंकना चालू कर दिए, तो पुलिस ने क्या करा, गोली चला दी उन पे और एक जने की डेथ हो गई। तो अब्यूज ऑफ पावर हुआ, पर पावर का अब्यूज किसके द्वारा हुआ, पुलिस के द्वारा हुआ। पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस अपना कर्फ्यू इम्पोज करने वाले एम को सक्सेसफुल बना रही थी। पुलिस वॉज मेकिंग द कर्फ्यू टू बी सक्सेसफुल, दैट्स वाई दे हैव शॉट वन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो दिस कैन बी टेकन एज सोवरेन फंक्शन बिकॉज दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी ऑफ दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। एंड नॉन सोवरेन फंक्शन, नॉन सोवरेन फंक्शन आर बेसिकली कमर्शियल फंक्शन। देखो इनका डिस्टिंक्शन कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तुम गूगल पे सर्च कर लेना, तुम्हें डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ समझाने के लिए ये दो चीज लिखी है, इतना पता होना चाहिए सोवरेन फंक्शन में लायबल नहीं है और नॉन सोवरेन फंक्शन में लायबल है। एक्टिविटीज दैट आर कमर्शियल इन नेचर दैट कैन बी डन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। इसका मेरे को एक एग्जाम्पल मिला था, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के ट्रक इंडियन क्रिकेट टीम को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है और उस पे कोई बीच में इंडियन क्रिकेट टीम को लॉस हो गया, तो स्टेट लायबल नहीं होगी। ऐसा मेरे को एग्जाम्पल मिला था। इतना सीरियसली मत लो इन दोनों चीजों को, इसका डिस्ट्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो इसमें नहीं है इसमें है। तो वो बोलते हैं कि ये काम तो है ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता था, गवर्नमेंट क्यों कर रही है काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम गवर्नमेंट का है, वो भी ट्रक के अंदर, तो स्टेट लायबल उसमें, स्टेट लायबल उसमें थी, स्टेट लायबल उसमें, स्टेट लायबल उसमें थी। ठीक है, हाँ, तो नॉन सोवरेन फंक्शन में लायबल होती है, ठीक है, स्टेट लाइबल होती है, और सोवरेन फंक्शन में, आप सोवरेन फंक्शन मतलब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उसमें, अगर कोई काम करना पड़े उसमें स्टेट लाइबल नहीं है, और वैसे अगर कोई इधर उधर फालतू चीजें कर रहे हैं तो उसके लिए लाइबल हो सकती है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 देखो इसके अंदर दे रखा है पोजिशन इन इंडिया के अंदर मॉड्यूल देखोगे, और आर्टिकल 300 बेसिकली ये बोलता है वो स्टेट को, अभी अपन कंपनी लॉ पढ़ेंगे उसमें कंपनी को लीगल आइडेंटिटी मिलती है, कंपनी को लीगल पर्सपेक्टिव मिलता है, कंपनी इज अ लिविंग आइडेंटिटी हो जाती है उसके अंदर। और स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट को वो लोग लीगल पर्सनैलिटी देते हैं आर्टिकल 300 से, स्टेट को वो लोग लीगल पर्सनैलिटी देते हैं आर्टिकल 300 से, एक सेकेंड, स्टेट को वो लोग आर्टिकल 300 से लीगल पर्सनैलिटी देते हैं। वो क्या बोलते हैं, स्टेट को कोई भी स्यू कर सकता है और कोई भी उसके, स्टेट को कोई भी स्यू कर सकता है, पर इंडिया को जब तुम स्यू करोगे तो तुम्हें नाम क्या लिखना होगा, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 300 बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी स्यूड विद द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये चीज ध्यान रखना है, इंडिया को किस नाम से स्यू करते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे केस लॉ देखोगे अभी तुम सीएस प्रोफेशन में, यूनियन ऑफ, अभी देखा था तुमने, अरे ये रहा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमसी मेहता, जो अभी हमने देखा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, याद आया क्या कुछ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस है इंडिया में इवॉल्व हुआ था, इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया आया। तो आर्टिकल 300 बोलता है कि इसको हम लीगल पर्सनैलिटी देते हैं इंडिया को और हम उसको यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से स्यू करेंगे, और किसी भी स्टेट को स्यू करना हो तो उसे हम स्टेट के अपने नाम से स्यू करेंगे, ये आर्टिकल 300 बोलता है, इतनी सी बात ध्यान रखना। तो ये देखो हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट के अंदर, पोजिशन इन इंडिया,
वर्सेस पोजीशन एंड इंग्लैंड डिस्कस कर लिया, और हमने सेवरल केस लॉज अभी तक डिस्कस कर लिए जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, तो आगे हम ये करेंगे, तो आगे हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, एक पेज का चैप्टर बचा है, और वो एक पेज का चैप्टर क्या बोलता है कि सबसे पहले तो वेरियस टॉट्स को एक्सप्लेन करता है, वो जो डिफेमेशन वाले थे ना, वेरियस टॉट्स उनको एक्सप्लेन करता है, और वो भी कितने हैं, 5-6। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, सॉरी वो वीडियो पॉज हो गई थी बीच में, तो हमारा वेरियस टॉट वाला टॉपिक बचा और रेमेडी ऑफ टॉट बचा है, ये दोनों 10 मिनट के टॉपिक है, इसको अपन कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वेरियस टॉट्स में हमारे 6 से लेकर 7 टॉट्स है, डिफेमेशन हो रहे हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि अभी हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं उसके बारे में डिस्कस, जिससे कि हमारा ये टॉपिक खत्म हो। एक मिनट, हाँ गिरे, देखो वेरियस टॉट्स हमारे कौन कौन से, बैटरी असॉल्ट, बॉडली हार्म, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक, डिफेमेशन। अपन चालू करेंगे लास्ट से, लास्ट से चालू करना मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, लास्ट से चालू करेंगे डिफेमेशन। डिफेमेशन अपन को सबको पता है क्या होता है, पब्लिकेशन होती है किसी फॉल्स स्टेटमेंट की, इसमें ये डेफिनेशन जरूर लिख सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट होती है जो कि है ना रेप्यूटेशन को कम करती है, किसकी नज़र में, रीजनेबल मैन की नज़र में, कि मैंने देखा हाँ यार ए ने बी के साथ डिफेमेशन करा, मैं रीजनेबल मैन होना चाहिए, राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी की नज़रों में अगर किसी के कोई एक्ट के कारण उसकी पब्लिक रेप्यूटेशन पे हार्म पहुंचता है तो उसे डिफेमेशन कहते हैं, वो टॉट होता है, ये अपन को पता है। डिफेमेशन तो बहुत कॉमन है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, दो टाइप्स में डिवाइड है, स्लैंडर और लेबल। देखो स्लैंडर होता है हमारा टेम्पररी फॉर्म, जो हम टेम्पररी फॉर्म, स्पोकन जेस्टर्स, ये सारी चीज़ें टेम्पररी होती है, अगर इससे किसी को हुआ है तो उसे कहते हैं स्लैंडर। और लेबल होता है हमारा परमानेंट फॉर्म, रिटन फॉर्म, रिकॉर्डेड वर्ड्स, रिकॉर्ड कर लिए किसी ने मेरे वर्ड्स को तो वो परमानेंट फॉर्म में बन गया, पिक्चर्स कर दी, वीडियो कर दी, तो वो सारी चीज़ें लेबल होती है। लेबल इज परमानेंट फॉर्म, स्लैंडर इज इन टेम्पररी फॉर्म, दिस इज अ बिट मोर सीरियस, क्योंकि भाई अगर किसी चीज़ का अपन के पास एविडेंस होगा तो हम उसके अंदर उसको पनिशमेंट वगैरह दिला सकते हैं आसानी से, तो वो थोड़ा बिट सीरियस चीज़ है। ये दोनों चीज़ें हमारे सेक्शन 140 ये सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, ठीक है, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में ये चीज़ें डिफाइंड है लेबल और स्लैंडर के बारे में। तो अब हमने डिफेमेशन कर लिया, अब देखो नर्वस शॉक क्या होता है, नर्वस शॉक वो होता है कि सदमा, नर्वस शॉक इज नथिंग बट सदमा, देर इज सम बैड न्यूज विच आई हियर्ड, दैट बैड न्यूज कैन बी इन रियलिटी ऑल्सो और ड्यू टू समवंस मिसचीव ऑल्सो, आई हियर दैट बैड न्यूज एंड ड्यू टू इट मैं डिप्रेशन में चले गया, आई हैव गॉन टू डिप्रेशन, इट इज अ शॉक टू नर्व्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, इट इज नॉट अ फिजिकल इंजरी नहीं है, मैंने कुछ देखा, समथिंग विच आई हैव सीन एंड दैट रिजल्टेड इन डिप्रेशन। तो वो सारी चीज़ें नर्वस शॉक में आती है, मेरे को नर्वस शॉक हो गया, ठीक है, किसी ने मेरे को धमकी दी, किसी ने मेरे को अनलॉफुल थ्रेट दिया, उससे मेरे को नर्वस शॉक हो गया, मैंने ए को देख लिया, ए वॉज मर्डरिंग बी एंड आई वॉच दैट सीन, ड्यू टू दैट सीन आई गॉट नर्वस शॉक, तो नर्वस शॉक इज ऑल्सो अ टॉट, ठीक है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इसकी डेफिनेशन में मत जाना जो आपने बुक में लिखी है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज हो जाओगे, मेरी बात सुनना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में होता है ए ने बी के खिलाफ, देखो पुलिस आई ए के पास, पुलिस ने कहा यार तुम्हारे पड़ोस में कोई है ना मर्डर हुआ है, तुम्हें पता है क्या कि तुम्हें किसी पे शक है क्या, ए ने क्या करा, जानबूझकर उसको बी से मेलाइस निकालना था, बदला निकालना था, उसके पास उसको बी को फंसाना था, उसने जानबूझकर पुलिस को बोला मेरे को बी पे शक है, बी ने किया है पक्का, पुलिस ने जाके बी को पकड़ा, बी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही चली, बाद में पता लगा बी ने कुछ नहीं करा, कोर्ट ने बी को फ्री कर दिया। देखो पहली बात, किसी ने बदले की भावना से विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, ठीक है, बदले की भावना से, पहली बात तो ये हो गया, और आफ्टर ट्रायल इट इज प्रूव्ड कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा, पुलिस गई ए के पास, पुलिस ने कहा कि आपको किसी को पे शक है, आपके पास घर में कुछ हुआ है, चोरी हो रही है, डेथ हुई है किसी की, इसने बिना किसी
खुद के रीजन से, सिर्फ बदले की भावना से बी को बोला है बी पे शक है आप उसको पकड़ लो। पुलिस ने इसके बयान के बेसिस पे बी को पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन करी, बी की रेपुटेशन बहुत हार्म हुई, रोज पेपरों में आया, लास्ट में कोर्ट ने कहा बी ने कुछ नहीं करा। तो ये सब करने के बाद बी क्या करेगा, बी ए पे मेलेशियस प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाएगा और बोलेगा जो मेरी रेपुटेशन हार्म हुई है ना उसका मेरे को कंपेंसेशन दे, तेरी वजह से जो तूने मेरे को कोर्ट ने प्रूव कराई ये बात को कि तेरा तेरा है ना प्रोबेबल रीजन नहीं था, तूने मेरे को फंसाने के लिए करा था, तो अब मेरे को कंपेंसेशन दे उसका, जिसकी जो तूने मेरी रेपुटेशन हार्म करी है ना उसका कंपेंसेशन दे। तो वो मेलेशियस प्रोसिक्यूशन होगा फॉर द लॉस ऑफ हिज रेपुटेशन प्रॉपर्टी एंड एनीथिंग, जो भी उसको लॉस हुआ है वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में मांगेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, जो चीज बदले की भावना से हुई हो और उसके बेसिस पे दूसरे बंदे पे इन्वेस्टिगेशन चली हो और कोर्ट ने कहा हो कि ये तो बिल्कुल भी लायबल नहीं है, इसको तो फंसाया गया है, तो वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करके कंपनसेशन लेगा उससे, ठीक है। तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, हमने तीन देखे अभी तक, सबसे पहला डिफेमेशन देखा, दूसरा हमने नर्वस शॉक देखा, तीसरा हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन देखा, अब हम फॉल्स इंप्रिजनमेंट देख रहे हैं, किसी को अपने घर के अंदर बंद कर दिया, बेफालतू में बंद कर दिया, मैं कोर्ट जाऊं, मैं फिर बाद में कोर्ट जाऊंगा और बोलूंगा ये क्या बदतमीजी इसने मेरे को बंद कैसे करा। तो ये टॉट होता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट, अगर मैं अपने किसी को बोला कि अगर तू घर से बाहर निकल गया ना तो मैं तक गोली मार दूंगा, वो बेचारा दो दिन तक घर के अंदर रहा, उसको फॉल्स इंप्रिजनमेंट, उसको घर के अंदर तुमने बंदी बना के रखा एक तरीके से, उसको चार दीवारी में कैद कर दिया, यू हैव जस्ट फ्रीज्ड हिम इन द फोर वॉल्स इन द हाउस, ठीक है। सो इट इज द टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, हाउ एवर शाउट इट इज, ऐसा नहीं होता चाहे एक मिनट के लिए भी कराओ, मैंने उसको एक मिनट के लिए घर के अंदर बंद कर दिया था, वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का चार्ज मेरे पे ला सकता है अगर वो विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन का है, ठीक है। ये चीज हो गई बॉडीली हार्म, मैंने किसी को बॉडीली हार्म पहुंचाई वो भी टॉट है, इसमें क्या समझाऊ, बॉडीली हार्म है, इंजरी पहुंचाई किसी को मैंने मारा, चाहे कितना भी छोटा मारा हो, मारने का मेजरमेंट नहीं होता, तुमने मारा तो तुम्हारा तुम मैंने लाइबल हो। फिर अब बात करते हैं बैटरी असॉल्ट के बारे में, फिर रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे हमने अभी तक कितने टॉट्स के बारे में बात करा, हमने अभी तक नर्वस शॉक, डिफेमेशन, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, बॉडीली हार्म और इम्प्रिजनमेंट, पांच के बारे में बात करा। अब हम बैटरी और असॉल्ट के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, बैटरी और असॉल्ट का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा समझने में। बैटरी और असॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बैटरी और असॉल्ट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बैटरी तो होता है किसी को मारना, यूज ऑफ फोर्स हाउएवर ट्रिवियल में भी, मैंने उसको धक्का दे दिया, मैंने उसको चाटा मार दिया, तो मैंने उसको चाटा मार दिया ना इंटेंशनली, चाहे मैंने उसको पिंच कराओ, फोर्स करी और उसको दर्द हुआ विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन हुआ, तो मैंने बैटरी का टॉट कमिट करा, बैटरी का टॉट कमिट करा, ठीक है। और असॉल्ट क्या होता है, डराना, मैंने मारा नहीं है, मैंने एक्टिंग करी, देखो ऐसे, और ये डरा, ये डर गया, मैंने उसको मारा नहीं है, डर गया, मैंने इसको लगाया, डर गया। व्हेन डिफेंडेंट बाय एन एक्ट क्रिएट्स एन फियर इन द माइंड ऑफ समवन दैट ही इज गोइंग टू कमिट बैटरी मतलब मारना, फोर्स, इस पे इसको डर लगा, मैंने, इसने मारा नहीं पर इसने असॉल्ट कर दिया, इसने मेरे को डरा दिया, इसने मेरे को ऐसा करा कि ये मेरे मारने वाला है, तो इसने असॉल्ट कमिट कर दिया। तो सुनना, अगर इसने मेरे को पीछे से आके मार दिया तो इसने सिर्फ बैटरी कमिट करा, क्योंकि मैं डरा नहीं हूँ, सिर्फ इसने मेरे को मारा, ठीक है। अगर सामने से गन, चलो इसने मेरे को गन दिखा दी ऐसे करके, देखो गन, तो इसने मेरे पे असॉल्ट क्रिएट कर दिया, इसने मेरे को ऐसा लगाया, अरे तो मेरे को मारने वाला है, तो मैं बहुत डर गया, तो दिस इज असॉल्ट, ठीक है। इसने मेरे को, जब अपन ने हैंडशेक करा ना, इसने मेरी रिस्ट को जोर जोर से ऐसे कर दिया, मेरे को डर लगा इसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें असॉल्ट होती है, दोनों इंटेंशनल होती है। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों एक साथ हुई हो, इसने मेरे को डराया फिर चाटा भी मार दिया, डराया चाटा भी मार दिया, तो डराने पर असॉल्ट और मारने पर बैटरी, डराने पे असॉल्ट, मारने पे बैटरी, तो ये चीज़ें हमारी इसकी हो गई, ठीक है। अब हम रेमेडीज एंड टॉट की बात करते हैं, रेमेडीज एंड टॉट की बात करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, रेमेडीज एक तो इंडिविजुअल के पास होती है और एक कोर्ट के पास होती है, देखो ये तो इंडिविजुअल के पास रेमेडी है और एक कोर्ट के पास रेमेडी है, जो कोर्ट के पास रेमेडी है, कोर्ट क्या करेगा, कंपनसेशन दे देगा उसको। अभी बाकी रेमेडीज पे अपन बात करते हैं, इंडिविजुअल क्या करेगा, अगर मेरे घर में कोई आ गया, नहीं
सबसे पहले तो मैं रीजनेबल तरीके से अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कर सकता हूँ अपने घर को प्रोटेक्ट। जैसे मैंने कई जगह तुमने देखा होगा, मैंने अपने घर की बाउंड्रीज पर कांच लगा दिए, गिलासेस लगा दिए, जिससे कि कोई कूद करना है तो वो रीजनेबल होता है। पर ऐसा नहीं कर सकता, गिलास लगाना रीजनेबल है पर ऐसा नहीं कर सकता मैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दौड़ा दूँ कि कोई भी आए तो वो इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से ही मर जाए। ठीक है, तो रीजनेबल यूज ऑफ फोर्स इज अलाउड, ग्लास इज अलाउड, बट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अलाउड। ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं री एंट्री ऑन लैंड। किसी ने मेरे पोजेशन को ले लिया तो मैं पीसफुल मैनर से, रीजनेबल तरीके से अगर पोजेशन खाली करा सकूँ तो मेरे को अलाउड है कराना। ठीक है, पहली बात प्रिवेंशन कर सकता हूँ, दूसरी बात मैं री एंट्री ले सकता हूँ, तीसरा कोई मेरे को मार रहा है तो इतना मेरे पास सेल्फ डिफेंस है कि मैं उतने ही फोर्स में, रीजनेबल फोर्स में, अपना लॉफुल राइट करने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मारूँ। ठीक है, कोई मेरे को मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, तो मैं अपने लॉफुल राइट के लिए इतना राइट है मेरे पास कि मैं रीजनेबल फोर्स के साथ उसको मारूँ। या नहीं, उसने मेरे को मारा, गन निकाली, मार दिया, ऐसा नहीं चलेगा। रीजनेबल हर जगह देखो रीजनेबल लिखा है, रीजनेबल रीजनेबल रीजनेबल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिकैप्शन की। रिकैप्शन क्या होता है? इट इज एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल हु हैज बीन रॉन्गफुली डिप्राइव। रिकैप्शन मतलब मेरे गुड्स कोई ले गया, मेरे गुड्स कोई ले गया, अब मेरे को उसको रिकवर करना है, तो या वो ले गया, मेरे को दोबारा उसको रिकैप्शन करना है। गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, गुड्स डिप्राइव, मैं मेरे गुड्स थे वो ले गया, तो मेरे को अब उसको रिकैप्शन करना है, उसको ले रहे हैं तो मैं अपनी रीजनेबल और पीसफुल मैनर में ले सकता हूँ। रिकैप्शन भी वही बात करते हैं। फिर अब बात करते हैं डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, ये रेमेडी क्या बोलती है? ये रेमेडी ये बोलती है रेमेडी थ्रू विच लैंड ओनर कैन सीज। देखो मेरे लैंड पे एक कैटल आई और उसने मेरी सारी ग्रास खा ली, तो मैं उस कैटल को सीज करके रख सकता हूँ। जब तक वो जो ग्रास का कंपेंसेशन नहीं देगा ना उसका ओनर, तब तक मैं उस कैटल को सीज करके रख सकता हूँ। डिस्ट्रेस रेमेडी थ्रू विच लैंड ओनर कैन सीज एनी कैटल विच हैज लॉफुली एंटर द लैंड एंड डूइंग डैमेजेस देयर, एंड आई हैव द राइट। आई हैव द राइट टू रिटेन दैट कैटल अंटिल द कंपनसेशन इज पेड फॉर द डैमेज बाय द ओनर। ठीक है, तो ये मेरे राइट्स हो गए। क्या हो गए? डिस्ट्रेस डैमेज फीसियट, डिस्ट्रेस डैमेज फीसियट। फिर उसके बाद एक और लास्ट राइट है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ किसी चीज़ को? जैसे मेरे घर के पड़ोसी की पॉइजनस ग्रास, पॉइजनस नहीं, तुम लोग ट्री मान लो, ट्री पॉइजनस मान लो, चलो पॉइजनस ट्रीज, पॉइजनस ट्रीज, ए के पॉइजनस ट्रीज मेरे इधर हैंग कर रहे थे, ब्रांचेज उसकी आ रही थी, और अगर मेरा घोड़ा उन ब्रांचेस को खाता तो वो मर जाता, तो रिस्पॉन्सिबल तो ए ही होता क्योंकि उसने पॉइजनस ट्रीज उगाए। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन उसका एस्केप हुआ, हुआ लाइबिलिटी किसकी आती है? ए की। पर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यार भाई मेरे को इतना पंगा नहीं करना, मेरे को मेरी कैटल अच्छी लगती है तो मैं इसके पेड़ काट देता हूँ क्योंकि वो मेरी बाउंड्री में आ रहे हैं। तो तुम वो लॉफुली एक्सरसाइज कर सकते हो राइट, पर पहली बात तुम्हें नोटिस देना पड़ेगा ए को कि मैं तुम्हारे पेड़ काट रहा हूँ। दूसरा बात, सबसे बढ़िया तरीके से काटने पड़ेगा, लेस मिस्चीवियस मेथड। ऐसा नहीं कि कोई है ना, मतलब बहुत जैसे तमीज से काटो, लेस मिस्चीवियस मेथड से आप उसके पेड़ कट कर सकते हो। ठीक है, और अवॉइडिंग अननेसेसरी डैमेज। ठीक है, कोई उसके जो पॉइजनस पेड़ है उनको डैमेज भी नहीं होना चाहिए। ढंग से तमीज से नोटिस देकर प्रायोर इन्फॉर्मेशन के साथ यू कैन कट द ट्रीज विच हैव बीन ग्रोइंग ऑन द एज लैंड एंड उस ब्रांचेज आर ऑन द बी लैंड एंड यू हैव द फियर दैट योर कैटल माइट ईट इट एंड डाई। सो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, आपने न्यूसेंस होने से बचा लिया। लास्ट हम बात करते हैं रेमेडीज इन टॉट की। कोर्ट के क्या बात, कोर्ट के पास होती है, एक तो डैमेजेस दे दे आपको, दूसरा एक इंजेक्शन दे दे। इंजेक्शन क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मान लो कि मेरे घर के पास में कोई रोज रात को बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाता है, तो या तो मैं उससे जाके लड़ाई करूँ या मैं कोर्ट से इंजेक्शन लिया हूँ कि प्लीज उसको डायरेक्ट करो कि मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को टॉर्ट हो रहा है, मेरे को फिजिकल इंजरी हो रही है, मैं अपना राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एंजॉयमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो आप प्लीज इसको इंजेक्शन करो, कोर्ट इंजेक्शन ऑर्डर इशू कर देगा। थर्ड होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। रेस्टिट्यूशन का मतलब कोई जना मेरी प्रॉपर्टी ले गया, मेरे गुड्स ले गया, तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, कोर्ट बोलेगा आप इसको इसके गुड्स वापस दो, टू रिटर्न द गुड्स टू ओनर, टू रिटर्न द गुड्स बैक टू ओनर। ठीक है, तो हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। हमने
हमने हमारा टॉट कंप्लीट कर लिया, हमने हमारा टॉट कंप्लीट कर लिया। इसके ये एमसीक्यूज देखो पीछे आपके सीएसईटी के, टॉट इज अ स्पीशीज ऑफ सिविल रॉन्ग, मैंने बहुत बार बताया। टॉट इज इवॉल्व, टॉट अनकोडिफाइड होता है, जुडिशियल डिसीजन से इवॉल्व होता है। तो लॉ ऑफ टॉट डील्स विद, सबसे डील्स करता है, डिफेमेशन भी पढ़ा है, नेग्लिजेंस भी पढ़ी है, ट्रेसपास भी पढ़ा है अपन ने, ठीक है। द रेमेडी क्या होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है, ये भी हमने पढ़ा है। और द मास्टर इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए सर्वेंट, किस में आता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी में आता है। हमने सीएसईटी के हिसाब से इसको पूरा कवर कर लिया है। और हम एक और चीज़ कर लेते हैं, एक और चीज़ क्या कर लेते हैं, जो हमारा सिलेबस है उसको देख लेते हैं। सिलेबस में देखो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कवर कर लिया, डिफेंस कवर कर लिए, जो हमारे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ना डिफेंस है, न्यूसेंस नेग्लिजेंस हमारी मॉड्यूल में नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाइकरियस लाइबिलिटी कर ली, ट्रेसपास कर लिया, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कर लिया, हमने हमारा टॉर्ट्स कंप्लीट कर लिया। सो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही पूरा क्रैश कोर्स अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, और एक लाइव डिस्कशन होगा, आपके डाउट्स का चिंता मत करो, आप मेरे को डीएम कर सकते हो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप लिंक से हमारा चैनल ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।